तो गाइस आप सभी को तो पता ही होगा पानी और नून पानी में सबसे ज्यादा डेंसिटी नून पानी का होता है। पर क्या आपको पता है चीनी पानी और नून पानी में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? तो गाइस ये तो मुझे भी पता नहीं, इसलिए मैं आज बताऊंगा नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा। जी हाँ गाइस, तो आपका समय बिना वेस्ट किए फटाफट से वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दो गिलास तरीके से और पानी। तो गाइस ये रहा अंडा और ये है सादा पानी और हम इसमें रह कर के करेंगे ये डूब रहा है या फिर नहीं। तो गाइस अब देख सकते हैं कि आसानी से डूब गया सादे पानी में, तो इसे निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर रहा चीनी और यहाँ पर नून, हम इसे बनाएंगे चीनी और पानी का घोल और इसे नून पानी का घोल और दोनों में पहले एक एक चम्मच रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पर तैयारी हो गया है हमारा नून पानी का घोल और चीनी पानी का घोल, तो हम दोनों में अंडा रखेंगे और देखेंगे कौन अंडा ज़्यादा डूब रहा है और कौन कम। रखते हैं दोनों में एक एक अंडा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा नून पानी का घोल है उसमें जो अंडा है वो ज़्यादा ऊपर आ रहा है, लेकिन चीनी पानी का जो घोल है उसमें थोड़ा सा कम आ रहा है। तो हम आपको दिखा देते हैं एकदम नज़दीक से, इसलिए तो करते हैं साइड और फिर आपको दिखा देते हैं। जो हमारा एक अंडा है वो थोड़ा ज़्यादा भीतर है जो ये है चीनी पानी का घोल। और जो ये है नून पानी का घोल वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। ये देखो तो गाइस आप समझ सकते हैं कि जो नून पानी का घोल है वो चीनी पानी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, बाय बाय।